करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रहने के लिए पक्का कमरा व जीवन यापन के लिए करूंगा दुकान की व्यवस्था, प्रवीण मिश्र। प्रतापगढ़, एक हादसे में अपना दोनों पैर खो चुके उमेश मिश्र की स्थिति जानने व हाल चाल लेने उनके निवास जौनपुर जनपद के ग्राम कोदुआ सिंगरामऊ पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी प्रवीण मिश्र। प्रवीण मिश्र ने उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक देखते हुए तत्काल नगद 2100 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए उनके रहने हेतु एक पक्का कमरा और जीवन यापन करने हेतु गांव में एक दुकान की व्यवस्था कराने की बात कही। प्रवीण मिश्र ने कहा कि मैं केवल कहने वाला नहीं हूं, ब्राह्मण परिवार के लिए किए गए वादे को पूर्ण करूंगा। साथ ही उन्होंने अन्य ब्राह्मण संगठनों व समाज सेवियों से सहायता के लिए अपील की है। गौरतलब है कि उमेश जब 3 वर्ष के थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। उमेश मुंबई में जीवन यापन करने हेतु नौकरी करता था, लेकिन दुर्घटना में उन्होंने अपना दोनों पैर गंवा दिए। घर में उमेश और उनकी मां रहती हैं। अनुराग तिवारी, प्रतापगढ़। एक चौराहे पे आपकी दुकान रहेगी, जैसे आप 3200 रुपये अपने खर्चे और माता जी के जीवन यापन करेंगे। अब अकाउंट नंबर इनका भेज देंगे, आर्थिक सहयोग भेजेंगे, आपको आपके द्वारा पता चल जाएगी कितना आप बताओ। जितना कहा था इनका 101% आपका होना है, कोई जान नहीं। चाहे हमका आपके लिए भीख मांगे पड़े एक रुपया ग्रामा समा से कहा पड़े कि इकट्ठा कर दिया, एक रूम इनका हमका बनवा के दे दिया। और ये बने रूम जो हम कहा थे, अगर क्यों सरकारी मदद ना करता तो हम थोड़े मन लूँ। बहुत जल्दी है कि बस बहुत जल्दी आपको दिखाए